है गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो चलिए आज चिकन का एक रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो आज बनाऊंगी पोल्ट्री चिकन। इधर है 600 ग्राम चिकन, और चिकन बनाने के लिए मैंने इधर ले लिया है जीरा, लहसुन और अदरक जो मैंने पहले पेस्ट करके फ्रिज में रखती हूँ, और इधर ले लिया दो इतना सा साइज का प्याज। इसमें है टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने आप जितना तीखा खाओगे उतना हरी मिर्च इसमें डाल देना। ऐसे साइज में आलू को कट कर दिया है, और लिया है मीट मसाला, साई गरम मसाला। चिकन मसाला नहीं यूज़ करूँगी मैं, मीट मसाला से बनाऊँगी। तो चलिए बनाने के प्रोसेस से चालू करो। पहले तो सारे आलू को फ्राई कर लूँगी, और इधर पर ऑयल भी गर्म हो चुका है। चलिए आलू को फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा हल्दी पाउडर, ये सारे आलू का कैसे फ्राई कर लेंगे। इधर पे सारे आलू जो है फ्राई हो चुका है अच्छे से, आप देख सकते हो लाल लग रहे हैं। सारे को भी उठा लूंगी। मैं डालूंगी दो तेज पत्ता। मैं ना थोड़ा और ऑयल ऐड कर दूंगी। अभी इसमें ऐड करूंगी सारा प्याज। प्याज को अच्छे से भून लूंगी। देखिए प्याज बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अभी इसमें डालूंगी इतना सा लहसुन का पेस्ट, और देना है जैसे अदरक का पेस्ट, जैसे जीरा का पेस्ट, और इधर में हरी मिर्च और टमाटर। मैं सारे को अच्छे से भून लूंगी। सारे मसालों को अच्छे से भूनना है। अभी इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, डालूंगी नमक, मसाला में ऑयल शो में लगा है। देखिए सारे मसाला में ऑयल शो में लगा है। तो मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने आपको दिखाया था, मैंने पाया था, मैंने मोबाइल में साफ किया था, तो देखिए ऐसा तो बनता है।
तो देखिए अच्छे से भुनना हो चुका है। अभी इसमें डाल दूंगी, तो अभी इसमें डालूंगी पानी। देखिए हो चुका है, अभी आलू भी पूरा गल चुका है। ये रहा आलू, आलू भी गल चुका है। अभी इसमें ऐड करूंगी पानी। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, ज़्यादा नहीं। नमक चेक करके डाल दिया, नमक थोड़ा चाहिए था। और डालूंगी सनराइज शाही गरम मसाला पाउडर। रेडी है मेरा चिकन। तो रेडी है मेरा चिकन करी, सिंपल सा चिकन करी। चलिए नीचे उतर लेती हूँ अभी इसको, तो अभी इसको नीचे उतर लेती हूँ। ये रहा मेरा फुल चिकन का लुक। आप लोगों को रेसिपी कैसा लगा? अगर रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चावल।